फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लॉग पर। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं। हम लोग अभी चाईबासा में हैं और भूख इतना ज़बरदस्त लगा है, लेकिन एक तो रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है हम लोग को खाने के लिए। फाइनली तकरीबन आधा घंटा खोजने के बाद बड़ा उदास दुखी एकदम चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। आवाज़ नहीं निकल रहा। तो हमने ऑर्डर दे दिया है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा देते देते, तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं। भूख आज बहुत ज़बरदस्त लगी हुई है मुझे। मैं आ गई इधर। मैंने जानबूझ के ना इनको इधर बुलाया है, क्योंकि इन्होंने चावल ऑर्डर किया और मैंने रोटी ऑर्डर किया है, तो मुझे लगा कि दोनों मिल बांट के आराम से खा सकते हैं ऐसे में। और वरना ये यहाँ पे बैठी हुई थी, तो वहाँ बैठे रहने से क्या होता ना कि फिर मतलब अगर मुझे कुछ चाहिए होता जैसे चावल थोड़ा सा कैसा, तो अजीब लगता ना। देखिए पूरा भीड़ भाड़ है रेस्टोरेंट में। भूख आज सही बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। 2 बज रहा है, 7 बजे का आराम नाश्ता किए। 10 बजे तो एक स्पॉट पर भी हम लोग पहुँच गए थे, हालांकि वहाँ पे कोई ब्लॉग व्लॉग बना नहीं। ये देखिए मेरा तो पनीर बटर मसाला और रोटी, और इनका चावल का थाली। ये है क्या? वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया। खा के आपको बताता हूँ कि कैसा लग रहा है, हालांकि बहुत ज़बरदस्त लगा है। कैसा? अच्छा नहीं, वो कहते हैं ना मजबूरी करना महात्मा गांधी। भूख लग रही है, लेकिन सर बताओ तो पनीर का टेस्ट कुछ खास नहीं लगा मुझे। 100 रुपीज़ हाफ प्लेट और एक रोटी 8 रुपये का है। खैर कोई नहीं, अब आ गया है खाना तो खाना ही, वरना मैं डोसा ऑर्डर करने वाला था, मसाला डोसा। लेकिन असल में उसका पेट नहीं भरता। पेट भरता, बट इन्होंने कहा कि नहीं रोटी या भात दोनों में से कुछ एक खा लीजिए, तो इसलिए दही वगैरह कुछ नहीं। हालांकि तो हॉस्पिटैलिटी अच्छा है, आपको खुद से कुछ बताना नहीं होगा, वो खुद ही आके पूछते रहते हैं कि और कुछ चाहिए या नहीं। तो फिलहाल हम लोग पहले खा लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। चावल मैंने नहीं लेके अच्छा डिसीजन लिया है। फाइनली वहाँ पे हम दोनों ने खा लिया। मुझे एक्चुअली वहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं किया, बट सच बताओ ना तो जिस हिसाब का प्राइस हमने पे किया उस हिसाब का खाना मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं भरा, ना ही पेट सही से, तो मैं और एक पैटीज खा रहा हूँ, वेज पैटीज। फाइनली हमने वहाँ पे एक पैटीज खाया, और वहाँ के जो ओनर थे काफ़ी बढ़िया आदमी थे, मतलब एकदम खुश मिजाज टाइप के। उन्होंने पूछा कि इतना धूप में क्या कर रहे हो, तो हम लोगों ने बोला कि एक्चुअली हम लोग ब्लॉगर हैं, तो उन्होंने बोला अच्छा तो इन्वायरमेंट के ऊपर आप लोग क्यों नहीं ब्लॉग बना रहे हो? तो मैंने कहा हाँ उस पर भी बनाएंगे ज़रूर। फिर उन्होंने सब्सक्राइब किया हमारा चैनल, काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली हम लोग पहले जहाँ पे गए ना, जिस रेस्टोरेंट से ये व्लॉग शुरू हुआ, वहाँ का खाना मतलब क्या बोलूँगा डिसेंट था, मतलब अनहेल्दी नहीं था, हेल्दी खाना था, बढ़िया था, बट मुझे वो टेस्ट अच्छा नहीं लगा। मैंने प्राइस के हिसाब से वही जैसा रोटी जो था वो 5 रुपीज़ का अगर रहता तो ठीक था, बट वो रोटी 8 रुपये का था, और पनीर जिस हिसाब का बना हुआ था उस हिसाब से पनीर का हाफ प्लेट का प्राइस 60 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, वो 100 का था। मतलब ऐसा ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे जैसा लगा, क्योंकि हम लोग ब्लॉगर हैं ना तो चारों तरफ घूमते रहते हैं। हम लोग भुवनेश्वर भी गए हैं, कोलकाता भी गए हैं, रांची, बोकारो, पुरुलिया, सब तरफ घूमते रहते हैं। तो ज़्यादातर हमारा क्या होता है ना कि कभी भी आउट स्टेशन जब भी जाते हैं हम लोग ना, तो क्या कि हर बार टिफ़िन लेके जाना वो पॉसिबल नहीं होता। वो तो तब हम लोग को करना पड़ता है जब जैसे कहीं एग्ज़ाम पड़ा है, जैसे JPSC का एक बार एग्ज़ाम देने के लिए गए थे, तो उस वक्त हम लोग टिफ़िन उफिन ये सब सारा चीज़ लेके आए थे। और वैसे वो वाला व्लॉग जिन्होंने नहीं देखा है वो यहाँ पे टच करके देख सकते हैं। लेकिन अभी जब हम लोग सिर्फ व्लॉग के लिए ही निकले हैं तो पूरा तामझाम करके निकलना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अब तो गर्मी का भी दिन है, खाना रहेगा भी नहीं, तो अब तो बाहर ही खाना खाना पड़ेगा। तो बाहर का मतलब जो भी रेट है, प्राइस है जमशेदपुर का या ये सब का, तो उस हिसाब से एक आइडिया है हमें कि कैसा खाना का कैसा प्राइस होना चाहिए, तो इसलिए मुझे मज़ा नहीं आया उतना। और आप देखना एक दफ़ा आपको अगर कुछ चीज़ सही नहीं लगता ना कि अरे यार ये तो थोड़ा ज़्यादा पड़ रहा है ये खाना या ऐसा कुछ, तो ना पेट भरता है ना मन भरता है। अभी समस्या ये है कि हमारा जो पानी का बॉटल है वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो बस वो पानी का कहीं इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो 251 ही हो रहा है और हमारा काम अभी बाकी है। हम लोग को यहाँ से जाते जाते मुझे लगता है 6:30 बजेगा,
तो तब तक का पानी एटलीस्ट रहना चाहिए, क्योंकि खाना तो आप बाहर का खा लोगे लेकिन पानी बाहर का वो मुझे एकदम पसंद नहीं। और पानी खरीद के पीना, मैं सच बात बोल रहा हूँ, मुझे एकदम नहीं पसंद कि पानी भी 20 रुपये में मैं खरीदूँ और इसके बाद पीऊँ। वैसे यहाँ पे एक चापानल भी लगा हुआ है, वो मैंने जहाँ बाइक पार्क किया ना ठीक उसी के बगल में, देखिए ये वाला चापानल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी पानी में एक अजीब तरीके का स्मेल है, वो आयरन का जो स्मेल रहता है वो उस तरीके का, तो बिल्कुल भी पीने का मन नहीं किया, इसलिए हम लोग पियेंगे नहीं। और लास्ट तक में अगर कहीं नहीं मिला, हालांकि यहाँ पे एकाध मारवाड़ी युवा मंच वाला पानी है, तो हम लोग देखेंगे। मतलब कई बार क्या होता है ना कि जनरली मारवाड़ी युवा मंच का जो पानी होता है बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन कई जगह पे मेंटेन नहीं होने की वजह से वहाँ का भी पानी फिर सही नहीं लगता है। तो देखेंगे, अगर पानी सही लगा तो फिर वहाँ से भर के पी लेंगे, तब तो काम बन जाएगा, और अगर नहीं तो फिर 20 रुपीज़ का बॉटल खरीदना पड़ेगा, फिर तो उपाय ही नहीं है हमारा। क्या अरे इमली पेड़, चलिए बढ़िया है, जहाँ हम लोग बैठते हैं कुछ ना कुछ काम हो ही जाता है हमारा, ये बढ़िया है। इमली अभी खाओ मत, खाओ मत कूलियर मतलब, अरे अभी मत खाओ इमली। ये एक्चुअली ना जगह हमारे लिए बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है, क्योंकि JPSC का जब सेंटर पड़ा था ना तो मेरा यहीं पे ही पड़ा था सेंटर, तो इसके लिए फिलहाल थोड़ा सा बैठते हैं, इसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। ए, मैं इमली कुड़ाने में घर ले जाऊंगी। हाँ ये इमली उठा रही है, घर लेके जाएंगी, ठीक ही है, उठाओ उठाओ। फिलहाल बहुत ज़्यादा थके हुए हैं हम लोग, तो थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ अभी। रेस्ट करने के लिए ये प्रॉपर जगह है, क्योंकि जब JPSC का एग्ज़ाम हुआ था ना तो 2 शिफ्ट में हुआ था, तो पहला शिफ्ट में निकल के मैं यहीं पे ही बैठा था, मैं क्या सारे स्टूडेंट इधर ही बैठे हुए थे हम लोग सारे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं एक दूसरे वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप देखते रहिए ब्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।